चलिए बेटा, हम सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटिंग इन द मार्केट एट ₹25, दैट इक्वल टू P0 25 पर शेयर, एंड द कंपनी पेड डिविडेंड। डिविडेंड कितना पे किया दिस, एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टिंग ग्रोथ रेट 6%। तो ग्रोथ रेट आपका 6% है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, D1 P0 प्लस G, दैट इक्वल टू, यहाँ पे ₹2 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, और 0.06, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 2/25, ये हो जाएगा 0.08 प्लस 0.06, दैट इक्वल टू 14%, इसका आंसर हो जाएगा 0.14, दैट इक्वल टू 14%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आपका जो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन है, इफ द कंपनी इशू 10% डिबेंचर, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, 10% डिबेंचर्स फेस वैल्यू ₹100 एंड रियलाइज 96 पर डिबेंचर, वाइल द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर। अब देखिएगा, नेट प्रोसीड में हमारे पास क्या होता है, फेस वैल्यू डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे ₹96 डिस्काउंट है, और ये आपका फ्लोटिंग कॉस्ट में आपका क्या है, 96 डिस्काउंट है। ठीक है ना बेटा, 96। एक मिनट, चलिए ये 96 डिस्काउंट पे के बाद है, फ्लोटिंग कॉस्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नहीं, 12 इयर्स प्रीमियम, कैलकुलेट द डिबेंचर इल्ड टू मैच्योरिटी मेथड, इल्ड टू मैच्योरिटी, जबकि टैक्स रेट आपके कितनी है, 50% है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन में इसकी सारी की इंफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये ₹96 नेट प्रोसीड हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको ये आपका कितना है, ये आपकी फेस वैल्यू आपका ₹100 हो जाएगा, ये कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 10% ऑफ ₹100, दैट इक्वल टू ₹10 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इल टू मैच्योरिटी मेथड मैंने बनाया हुआ है, पहले भी मैंने इस टाइप की क्वेश्चन किया हुआ है। मैंने आपसे कहा क्या कि जब भी क्वेश्चन में इल टू मैच्योरिटी बनाया, तो पहले आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से बनाइएगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड से बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उससे एक ज्यादा और एक कम के बीच में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम इल टू मैच्योरिटी यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड, और यहां पे आपको रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 10% डिबेंचर है, तो इंटरेस्ट आपका 10 हो गया, टैक्स रेट 50% है, रिडेम्पशन वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 12 इयर्स आपकी मैच्योरिटी पीरियड है, रिडीमेबल है 12% प्रीमियम, रिडीमेबल है 12% प्रीमियम का मतलब रिडेम्पशन इक्वल टू 100 प्लस 12% ऑफ 100, दैट इक्वल टू 100 प्लस 12, दैट इक्वल टू 112 हो जाएगा। तो रिडीमेबल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपको 112, नेट प्रोसीड आपका 90, नेट प्रोसीड में मैंने आपको क्या निकाला था, 96, नेट प्रोसीड 96, मैच्योरिटी पीरियड आपकी कितनी है, 12 इयर्स, 12 होल डिवाइडेड बाई 112 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 करनी है, तो ये आपका 50% टैक्स रेट है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 112 माइनस 96 डिवाइडेड 12, ये हो जाएगा 1.33, यहाँ पे 1.33 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 112 प्लस 96 डिवाइड 2, ये हो जाएगा 104 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 104, अब आपका हो जाएगा ये
6.33 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 100, तो आपको कितना हो जाएगा 6.33 डिवाइड 104 इंटू 100, ये हो जाएगा 6.08। 6.08% हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना निकल गया, अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकल गया। लेकिन हमें इल टू मैच्योरिटी मेथड बनानी है, हमें क्या बनानी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इल टू मैच्योरिटी। लेकिन इल टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, इल टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, इल टू मैच्योरिटी का मतलब आईआरआर। आईआरआर में आपको क्या होना चाहिए, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, मैं तो पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है, तो आपको इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो इसमें दो रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6% है, ये 6%, इसीलिए हम दो रेट लेंगे, एक इससे ज्यादा लेंगे और एक इससे कम लेंगे। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एक 7% पे, एक हम 5% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, आपको इल टू मैच्योरिटी मेथड से कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट इल टू मैच्योरिटी मेथड से निकाल रहे हैं। चलिए यहां पे, यहां पे एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारे पास है, हमारी जो कैश का आउटफ्लो जो हुआ है यहां पे 96, जो नेट प्रोसीड होता है वो हमारे पास हो गया। एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, डॉट 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 डॉट, एक 12 साल कंपनी को क्या मिला, कंपनी ने क्या दिया, इतना पैसा लेके, तो इन्वेस्टर ने ये पैसा दिया और इन्वेस्टर के पास क्या आया, तो इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आया दस रुपया। उसमें टैक्स पे किया, टैक्स -5, -5, -5, -5, -5, नेट उनके पास कितना पैसा आया 12 साल तक, ₹5, ₹5, ₹5, ₹5। 12वें साल में रिडीमेबल वैल्यू है आपको 112, ये रिडीमेबल वैल्यू है, ठीक है। अब इस पे हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, लिखेगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट कितना परसेंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 12%, एट 7% एंड 5%। अब 7% 5% पे क्यों लिया गया, उसका भी रीजन है, ईयर लिखेंगे यहां पे 0, 1 to 12, यहां पे 12, यहां पे कैश फ्लो होता है, 0 ईयर में पैसा गया, ये पैसा गया इसलिए नेगेटिव में लिखते हैं बेटा इसको, -96, ये ₹5 आया, ये 112, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 5%, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 7%, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, यहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ये 0 ईयर का हमेशा 1 होता है, ये हो जाएगा कितना 8.863। प्लीज आप टाइम वैल्यू मनी का क्लास देखिएगा, उसमें ये बताया गया है।
और यहाँ पे क्या है 0.557, ये आपको -96 हो जाएगा, और 5 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.32 हो जाएगा, और ये 62.38 हो जाएगा, तो सबको ऐड करेंगे तो 10.70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7.942 0.4, तो ये -96 39.71 49.728। अब यहाँ पे कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा -6.652। अब हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट यूजिंग yield to maturity, cost of debt equal to IRR होगा यहां पे, lower rate, net present value at lower rate, net present value at lower rate, net present value at higher rate, यहां पे आपके पास higher rate minus lower rate हो जाएगा। अब बताइएगा लोअर रेट हायर रेट ये क्या होता है, तो यहां पे आपको लोअर रेट में हम लिखेंगे 5% प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट 10.70, ये 10.70 माइनस 6.652, ये आपको 7% माइनस 5%, ये आपकी 5% हो जाएगा, और ये सारी कंप्लीट करने के बाद 1.23% हो जाएगा, तो 6.23% इल टू मैच्योरिटी मेथड से आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू बेटा।